सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 1,00,000 रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए। एक आप ये समझ लें कि एक नया स्टेटस मिला है भारत को इस हवाले से। एक ताइवान की जो कंपनीज हैं, बेसिकली एप्पल, जितना एप्पल जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाता है वो 2-3 कंपनियों से करवाता था, और एक कंपनी है जिसका नाम है फॉक्सकॉन। वो अपना जो जो अपना जो यूनिट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो इंडिया लेके जा रहा है तमिलनाडु के अंदर, और ये सदरन इंडिया में आपको पता है। और ये जो नया आईफोन है ये 5G एनेबल्ड फोन है, और ये मेरा ख्याल पहली दफा ऐसे होगा कि इस तरह की जो एक फ्लैगशिप डिवाइस है ये चाइना के बाहर से बन रही है। सो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस हवाले से। और अगर देखा जाए कि जो एप्पल है वो अपनी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग 3 ताइवानी कंपनियों से करवाता था। एक का नाम है फॉक्सकॉन, जो कि ज्यादातर जानी जाती है हॉनहाई प्रिसीजन इंडस्ट्री के नाम से, दूसरी पेगाट्रॉन और तीसरी विस्ट्रॉन। और मजे की बात है ये तीनों कंपनियां समहाउ दे आर गोइंग इंडिया। इसकी मैं वजूहत भी बताता हूँ कि ये हाउ डिड इंडिया टर्न अराउंड दिस, ये कैसे उन्होंने बनाया। कुछ उनकी अपनी क्वालिटीज थी, कुछ इन्वायरमेंट इस तरह था, कुछ ग्लोबल इन्वायरमेंट इस तरह हुआ, कुछ सप्लाई चेन रिक्वायरमेंट्स डेवलप हुई। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि कोविड के बाद, और कोविड ने जिस तरह इंडिया को ये एक पोजीशन दी है। सो अगर देखा जाए इंडियन मार्केट जो है वो खुद जो है वो तकरीबन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एनुअल सब्सिडीज देगी 4-6% पहले 5-1 साल। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो पैगेट्रॉन है वो भी इंडिया में अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, विस्ट्रॉन भी एक्सपेंड कर रही है, और फॉक्सकॉन तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर रही है। सो इसके अलावा जो फॉक्सकॉन है उसने ये भी फैसला किया है कि वो अपने जो आईपैड्स हैं, जो मैकबुक प्रोडक्शन है वो भी शिफ्ट करेगी चाइना से, और वो वियतनाम की तरफ जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसको मैं अगर पहले अगर स्ट्रेटेजिकली देखूं, अगर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि हाउ डिड इंडिया मेक दिस, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रेसिडेंट ट्रंप आपके जेहन में आएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे उन्होंने बेसिकली, जैसे आप कहते हैं ना कि जो अपनी सप्लाई चेन जो स्ट्रक्चर है और जो एक्सपोर्ट कंट्रोल जो कंप्लायंस है वो बदल दी, जिसका बहुत बड़ा फायदा जो है वो जारी बात है इंडिया को हुआ है। और इंडिया इस समझे कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था। और क्योंकि ट्रंप साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तो ट्रेड वॉर शुरू कर दी, और जितनी बड़ी बड़ी यूएस कंपनीज हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एमेजॉन, कॉलकॉम, डेल, ये सारी ये ऑलरेडी बिजनेस कर रही थी। तो ये एक आप ये समझ लें कि ये पहली दफा हुआ है कि जो टेक इंडस्ट्री है उसने दे नेवर अंडरस्टूड कि जी इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो इस तरह के हो सकते हैं कि हालात बदल सकते हैं और इंडिया को ये अहमियत मिलेगी। अगर मैं आपको बताऊं कि जो अपना एप्पल है वो अपना 20% जो शेयर था वो चाइना से कमाता था, और इसी तरह जो इंटेल है वो भी अपना 20% यहीं से कमाता था। इवन के एक जो मोबाइल चिप कंपनी है कॉलकॉम, वो भी अपनी 60% सेल जो थी वो चाइना से लेती थी। तो चाइना से हर चीज जो है वो निकल रही है। सो मैंने कुछ चीजें नोट डाउन की आपको बताने के लिए कि किस तरह अमेरिकन्स ने, देखें ये एक मैक्रो लेवल पे चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से वो सारी की सारी मार्केट वो जो है वो चाइना से निकल के इंडिया की तरफ जा रही है। सो सबसे पहले तो देखा जाए कि एक तो कोविड आया, कोविड में सप्लाई चेन का बड़ा चैलेंज आया, उससे पहले ट्रेड वॉर्स थी, और बहुत ज्यादा टैरिफ्स ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाने शुरू कर दिए, किसी ने इसको टेक्नोलॉजी वॉर कहना शुरू कर दिया, और बड़े बड़े हाई टैरिफ्स लगा दिए चाइनीज कंपनीज के ऊपर, 25% एडिशनल टैरिफ्स लगा दिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसान होने लग पड़े उनको। तो जो बेसिकली एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल्स हैं वो चेंज किए, और इमेजिन करें अमेरिकन फ्रस्ट्रेशन कह लें या उनका प्लान कह लें चाइना के बारे में, टू डेंट चाइना, कि एक साल में उन्होंने 3 दफा अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल्स चेंज किए, और तकरीबन अमेरिका ने 70 चाइनीज कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया ताकि वो चाइना के ऊपर प्रेशर डाल सके। और इसके साथ अगर देखा जाए यूएस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर डाला गया जो ताइवान में बिजनेस कर रही थी, बल्कि ये कहा जाता है कि जो यूएस एम्बेसी है उन्होंने बकायदा जाकर थ्रेटन किया कि जी जो चाइनीज अमेरिकन कंपनीज हैं वो चाइनीज का बायकॉट करें और यहां से निकलें और यहां से अपनी प्रोडक्शन खत्म करें। अब बहुत सारे लोगों को जब मैं ये रिसर्च कर रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए तो मैंने नोट किया कि जो बीजिंग का जो टेक्नोलॉजिकल अथॉरिटेरियन मॉडल है
मींस का जो कंट्रोल था इस सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर और सारे रिजीम के ऊपर, उसको बेसिकली तोड़ा है अमेरिका ने। और आप ये समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी एक एक जीत है अमेरिका की और जीत है इंडिया की, बिकॉज इंडिया बिकेम एन ऑल्टर ऑटोमेटिकली एक ऑल्टरनेट बन गया। सो दिस इज फर्स्ट टाइम की जो जो यूएस है उसने वेपनाइज कर दिया टेक सप्लाई चेन को, यानी कि जो टेक्नोलॉजिकल सप्लाई चेन है उसको वेपनाइज कर दिया अपने टैरिफ्स के साथ और अपनी फॉरेन पॉलिसी के साथ और कोर्स किया। सो अभी आप इमेजिन करें कि चाइना जो है उसके अंदर 200 मिलियन टेलीफोन बन रहे थे, मोबाइल फोन बन रहे थे, नॉट टेलीफोन, एप्पल का फोन बना था 200 मिलियन के करीब। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी सप्लाई चेन जो है वो इस वक्त डिस्टर्ब हुई है। और ये भी डिस्कशन हो रही है कि क्या जो है वो इंडिया या वियतनाम या जो बाकी ममालिक हैं क्या वाकई ये इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, ये एक सवाल जरूर मौजूद है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था इस तरह के ये चीजें जो है वो वाशिंगटन सप्लाई चेन को वेपनाइज कर देगा, या जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाइनीज कंपनियों को इस तरह ब्लैकलिस्ट करेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया को अगर देखा जाए, जो पहली चीज मेरा ख्याल है समझने की हर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पहली बात तो यह कि इंडिया के अंडर पोटेंशियल थी। पोटेंशियल किस तरह होती है कि आपके पास एक आपके पास एक मार्केट होती है, सो मार्केट की शक्ल में पोटेंशियल थी। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा है भारत में जो आपको पता है आईफोन 12 बनने वाले हैं तमिलनाडु चेन्नई में। एप्पल ने अपना एप्पल जो है अमेरिकन कंपनी एप्पल ने अपना जो कारखाना है ताइवान से स्विच करके, अमेरिका की कंपनी है ताइवान चीन में स्विच करके भारत में अब इन्होंने अपना प्लांट लगाया है और जल्द ही ये आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे। हालांकि आईफोन बनना भारत में बहुत पहले से ही बन रहा था, आपको भी ये पता होगा दोस्तों, भारत में काफ़ी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज और FDI के थ्रू बहुत पैसा आया है और कंपनियाँ भी फॉरेन यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं और यहाँ पर मेड इन इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने में मतलब अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं। इसके रिजल्ट आपको 10-15 साल बाद बहुत अच्छे दिखेंगे। आपको बता दें कि भारत में एक यूपी में एक ऐसा इलाका है जिसे योगी आदित्यनाथ ने लगभग इतनी ज़मीन दी है जो एक लग्जमबर्ग कंट्री है उसके बराबर जगह दी है और वहाँ से बहुत सारी चाइनीज़ कंट्री वहाँ पर प्लांट लगाने का उन्होंने मतलब डिसीजन ले लिया है। अब प्लांट लगना चालू हो गए हैं, बहुत जल्दी प्लांट लगेंगे। हालांकि आप अगर ये सोचें कि आज प्लांट लगे कल रिजल्ट मिलने लगे तो ऐसा नहीं होगा, हमें टाइम देना पड़ेगा, टाइम लगता है। तो ये एक शुरुआत है, इसका रिजल्ट 10 साल बाद शायद बहुत अच्छा आएगा। आपको बता दें कि दोस्तों भारत में टेस्ला आपको पता है यान मोस्क टेस्ला की जो कंपनी है वैसे भी कर्नाटका में आ चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक कार बनाएगी। वहाँ पर अमेरिकी कंपनी और भी आ चुकी है इलेक्ट्रिक कार बनाने में इंटरेस्ट शो कर रही है। आपको भी पता है भारत में अगर भविष्य में हमें पेट्रोल डीजल और पॉल्यूशन से लड़ना है तो इलेक्ट्रिक कार की ओर हमें जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो में आपने देखा कमर चीमा बात कर रहे थे, कमर चीमा इतनी सेंसिबली बातें कुछ दिनों से करने लगे हैं, अब ये भारत के पॉजिटिव चीज़ों को भी दिखाने लगे हैं। नहीं तो इनको पहले भारत में केवल गौमूत्र, हिंदुत्व, मोदी, RSS, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता था। हालांकि अभी भी ये पाकिस्तानी मीडिया में इसी तरीके की बात करते हैं, अगर इस तरीके के वीडियो आएंगे तो आपको और भी दिखाया जाएगा। तो दोस्तों भारत में जो मेड इन इंडिया की शुरुआत अगर आज से कई साल पहले हो जाती तो शायद हम बहुत आगे निकल जाते। चाइना में ये शुरुआत बहुत पहले हुई थी, चाइना में अमेरिका ने जाकर प्रोजेक्ट लगाए, भारत में इतने कड़े कानून थे कि विदेशी कंपनियां यहां पर वैसे भी मुंह मोड़ लेती थी कंपनी डालने से पहले। चाइना में ये शुरुआत काफ़ी पहले हुई थी और चाइना में जब मोटोरोला और बड़ी बड़ी कंपनियों ने वहाँ पर प्लांट लगाए, वहाँ पर इतनी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी कम थी कि वहाँ पर प्रोडक्ट काफ़ी सस्ते बन रहे थे, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन बनने लगे और धीरे धीरे ये जो मतलब लोकल में टेक्नोलॉजी शेयर होने लगी, मतलब अमेरिका के लोगों की टेक्नोलॉजी लोकल में शेयर होने लगी, जिसका रिजल्ट आप आज देख रहे हैं चाइना में मतलब लोकल मोबाइल कितने सारे बनने लगे, मतलब मेड इन चाइना जो है वो दुनिया में छाया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ होगा शायद भारत के साथ, 7 से 10-20 साल 30 साल बाद लोकल में टेक्नोलॉजी शेयर हो जाएगी, भारत की अपनी कंपनी आएंगी, भारत के अपने मोबाइल आएंगे अच्छी क्वालिटी के, अभी भी आते हैं और अच्छी क्वालिटी के आएंगे। तो कोशिश करते हैं मेड इन इंडिया सक्सेसफुल हो, जैसे मेड इन इंडिया वैक्सीन ने अभी धमाका किया है सारी दुनिया में, सबसे सस्ती प्राइस में अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन है, उसी तरीके से ऐसे भी सारे प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।